हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे, उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज आ चुका हूँ भाई मैं सबसे पुराने स्थल पर। ये देख लो भाई, यहाँ पे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है, हड़प्पा कालीन स्थल, यानी कि भाई हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो स्थल है भाई, ये देख लो प्राचीन स्थल है ये। इस साइड में ये है ना भाई, पूरा हड़प्पा कालीन सभ्यता है। और देखो दोस्तों, कितना पुराना हो चुका भाई, क्योंकि भाई आपको पता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता भाई कितने साल पहले की बातें हैं ये। और भाई यहाँ पे ये वो स्थल है जो भाई जहाँ पे सोने के मटके भाई, सोने की चीज़ें निकलती थी। तो भाई वही आज आपको मैं दिखाने के लिए अभी इस स्थल पे आया हूँ। तो भाई अभी अंदर की ओर चलते हैं। देखो भाई, बाउंड्री में देखो नुकीली तारे लगा रखी ताकि कोई अंदर ना जा सके। और वो देखो साइड में देखो भाई, अभी अंदर चल के आप सारी बातें करेंगे। तो अभी अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी देख लो भाई, हमने अंदर एंट्री कर ली है और ये देखो इस साइड में हमने बाइक हमारी रोक दी है। तो दोस्तों आज आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ पे भाई, कैसे सोने के जो मटके भाई वो निकलते थे और भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पे निकली है। क्योंकि भाई आपको पता है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल, ये देख लो ये वो स्थल है। और भाई लगभग इसको ये बातें भाई लगभग सात से आठ हज़ार साल पहले की बातें हैं भाई, ये हड़प्पाकालीन सभ्यता वाली। तो ये देखो एक स्थल है भाई यहाँ पर हमारे गाँव के अंदर। तो भाई मैं आज आपको दिखाने के लिए आया हूँ कि कैसे भाई मटके कब इनकी खुदाई हुई और कब भाई इसको, मतलब ये देखो सारा कुछ कवर कर दिया गया है भाई। क्योंकि यहाँ पे ये स्थल है ना भाई, ये सरकार के अंडर में आ गया। अभी देखो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, कुछ आपको ना वो दिखाता हूँ मैं, थोड़े जो मतलब यहाँ पे जो खुदाई हुई थी भाई पहले। तो खुदाई के बाद भाई यहाँ इस जगह को भाई पूरी तरह से कवर कर दिया गया। और भाई इसके ऊपर देख लो, वो देखो उस साइड में दिखाता हूँ अभी आपको मैं। बोलिए देखो भाई, बड़े बड़े बिल्डिंग देखो भाई, इसके नीचे भाई ये मटके पता नहीं क्यों दफनाए गए थे। क्योंकि भाई मटके शायद सोने के, जो भाई ऐसे ऐसे मटके यहाँ से निकले भाई लगभग भाई यहाँ से 80 से 90 हज़ार पहले भाई यहाँ की खुदाई हुई। और भाई उस खुदाई के अंदर भाई मिले सोने के मटके, सोने के बर्तन भाई, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें निकली जिसके बारे में भाई आप सोच भी नहीं सकते। तो देख लो भाई, ये देखो आपको एक गड्ढा मिला भाई, इसके अंदर अभी भी ये देख लो भाई, एक मटका फंसा हुआ है। ये देख लो पूरी तरह से, ये देख लो कितना भाई गहरा गड्ढा हो सकता है, अंदाजा तो है नहीं वैसे। और ये देख लो भाई, एक झाड़ी सी है और झाड़ी के बिल्कुल पास में इसके नीचे देख लो भाई एक मटका दबा हुआ है। और ये देख लो कितना गहरा गड्ढा भाई, हमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते भाई। और अभी आपको दिखाता हूँ जो जगह भाई जहाँ पे मटके निकले थे, सोने के मटके निकले थे भाई, और भी बहुत जगह आपको ये जगह भाई कवर कर रखी है, त्रिपाल ब्लैक त्रिपाल के रखा भाई सारी जगह पे। ये देख लो, ये वो स्थल है, देख लो भाई ये वो स्थल है जहाँ पे सोने के मटके और भाई और भी कई बर्तन, मतलब सोने की चीज़ें निकली थी। ये देख लो भाई, ये चीज़ देख लो, ये देखो यहाँ पे त्रिपाल बिछा रखा है भाई सारी। ये देखो तो सारा भाई ये टिल्ला है, ये एक टिल्ला देख लो भाई, हम टिल्ला ही बोलते हैं। और सारा टिल्ला भाई कवर कर दिया गया क्योंकि भाई सरकार के अंडर में आ चुका है अभी ये। और ये देख लो अभी यहाँ पे ना तो भाई खुदाई होती, लगभग भाई 80 से 90 हज़ार साल पहले यहाँ पे खुदाई हुई जिसके अंदर भाई सोने के मटके निकले। और भाई ये ठिकरियाँ पता नहीं क्यों है यहाँ पे, ये देखो हर जगह भाई आपको ऐसी, ये देख लो मटके के भाई टुकड़े टुकड़े मिलेंगे हर जगह पे। ये भाई मटके के टुकड़े भाई पता नहीं क्यों इतने क्यों हैं यहाँ पे, इस बात का रीज़न भाई मेरे को भी नहीं पता क्यों है। शायद भाई जब ये त्रिपाल बिछाए गए तो भाई इनकी इसकी खुदाई हुई तो शायद भाई मटके निकले होंगे। और भाई वही मटके के टुकड़े भाई अभी भी ये देखो यहाँ पे पड़े, देखो भाई सारी जगह पे, सारे स्थान पे देखो भाई, सारे स्थल पे मटके के भाई टुकड़े टुकड़े हैं। और बिल्कुल ऊपर की ओर आप देखोगे तो वो देख लो भाई पीर बना हुआ है भाई, पीर की दरगाह ऊपर की ओर जिसे बोलते भाई किलिया वाला पीर हमारे गाँव का। तो भाई ये है मेन किलिया वाला पीर। और ऊपर चलते हैं और आपको चीज़ें दिखाता हूँ, और गड्ढे ढूंढते हैं भाई, आगे चलते हैं। दोस्तों अभी और थोड़ा और आगे आ चुके भाई, ये देख लो यहाँ पे, ये पता नहीं भाई कौन से जानवर की हड्डी मिली है। देख लो भाई, ये देखो ये पता नहीं शायद भाई कुत्ते की, पता नहीं भाई कौन से जानवर की हड्डी है, कुत्ते की है या किसी और की है भाई पता नहीं। ये तो और भाई हम भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये देख लो
बहुत बड़ा स्थल है भाई, बहुत बड़ा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और भाई उस साइड में चलते हैं, उस साइड भाई मेरे को एक और गड्ढा दिखाई दे रहा है। और भाई सभी जगह भाई त्रिपाल ही त्रिपाल बिछाड़ते हैं, ब्लैक वाला त्रिपाल होता है ना वो बिछाड़ते हैं। और भाई ये जगह पूरी भाई कवर कर दी गई। और आगे थोड़ा फोन, ये देखो भाई एक गड्ढा होती थी हमें, ये देखो भाई कितना गहरा गड्ढा है। ये देखो इसके अंदर भी भाई त्रिपाल से ही दिखाई दे रहे हैं। और आगे पता नहीं क्या है। तो भाई अब ऊपर चलते हैं। और भाई ऊपर से व्यू देखो भाई कितना खतरनाक है। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ भाई सबसे ऊपरी स्थल वाली जगह पे। भाई ये देख लो एक बार, इस साइड से व्यू दिखा दो सारा। देख लो भाई कितना बढ़िया व्यू आ रहा है भाई यहाँ से। ये देख लो सारी जगह भाई, आपको मटके के टुकड़े टुकड़े देखो भाई कैसे भाई बिखरे पड़े सारे। और आगे चलते भाई, और आगे चले शायद कुछ और मिल जाए हमें, है ना। तो अभी और आगे चलते, इस साइड में देखो भाई कितनी मिर्चाई है। देख लो तो भाई अभी तो ऊपर की ओर, थोड़ी दूरी पर और आते भाई ये हमें फिर मिले। देख लो भाई मटके फिर मिल गए। और ये देखो भाई ये साफ साफ बयां करते हैं कि भाई यहाँ पे खुदाई हुई थी। और भाई सोने के मटके या सोने के बर्तन भाई निकले हैं यहाँ पे। ये देख लो ये चीज़ें भाई साफ साफ बयां कर रही है कि भाई कुछ ना कुछ भाई कुछ यानी कि भाई 80 से 90 साल पहले हवा। मेरे को तो भाई पता नहीं है, क्योंकि भाई मैं तो आप खुद बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना उनकी बातें सुन के आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ये लगभग भाई हम आपको पहले मैंने आपको बता दिया कि 80 से 90 हज़ार पहले यहाँ पे भाई खुदाई हुई, जिसके अंदर भाई ये चीज़ें पाई गई। ये देख लो मटके भाई अभी तक पड़े हैं यहाँ पे। और गड्ढे से गड्ढे देख लो भाई यहाँ से थोड़ा और चलते भाई। और भाई देखो गड्ढे से गड्ढे, पता नहीं देखो जमीन भाई धसी पड़ी है। और थोड़ा और आगे चलते, ये देखो भाई साड़े देखो इधर, ये देख लो ये गड्ढा देखो भाई साहब, ये देखो बिल्कुल झाड़ी के नीचे। और कितना खतरनाक गड्ढा दिखाई दे रहा है ना, ये देख लो दोस्तों भी भाई काफ़ी ऊपर हम। ये देखो सारा व्यू देख रहा भाई इतना भाई, अगर भाई रात के समय आए ना यहाँ पे तो भाई क्या ही हाल होगा ना। और भाई वैसे कोई डरने वाली बात भी नहीं, क्योंकि भाई पास में पीर की दरगाह है। और ये देखो भाई इन झाड़ियों को देख लो एक बार, कितने साल पुरानी झाड़ियाँ। और देखो भाई वैसे ही पड़ा सब कुछ जैसे भाई 80 से 90 साल पहले की बातें हैं। और भाई 80 से 90 साल पहले इसको कवर कर दिया गया इनकी खुदाई के बाद। और भाई हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल जो कि भाई 8000 से 7000 से 8000 साल पुरानी बातें हैं ये। और ये देख लो सारी जगह पर ये देखो भाई ब्लैक त्रिपाल बिछा रखा है। और भाई अभी ये देख लो सारी जगह पर, है ना। तो दोस्तों ये थी वो स्थल हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल जो कि भाई आज आपको मैंने दिखा दी हमारे गांव के अंदर, गांव बिरठाना के अंदर। भाई मेरे गांव के अंदर भाई काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि भाई प्राचीन हमने आपको दिखाया था, प्राचीन किला दिखाया था राजा बांग सिंह जी का किला, जो भाई वहाँ के राजा थे जिसने अपनी रानी के लिए भाई सुंदर किला बनवाया। और वो आज भाई खंडहर हो चुका है और भाई अभी उसका फिलहाल काम चल रहा है, जो कि भाई अच्छी बात है, है ना। तो दोस्तों इसी के साथ भाई ब्लॉग का करता हूँ एंड। उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन दबा देना और चैनल पर चैनल को ना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।